नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में आज अपन शुरू करने जा रहे हैं शिक्षण विधियां। ये आपकी शिक्षण विधियों की क्लास रहेगी। और यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि कौन कौन सी किस किस से संबंधित शिक्षण विधियां आपको करवाई जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये SS की क्लास है, अर्थात सामाजिक अध्ययन की क्लास है, यदि रीट की दृष्टि से देखा जाए तो। तो रीट की दृष्टि से देखा जाए तो सामाजिक अध्ययन, और सामाजिक अध्ययन में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सामाजिक अध्ययन में यदि अपन बात करें तो भाषा पहली, यानी पहली भाषा पढ़नी है, दो तो भाषाओं का चयन आपको करना है, ठीक है, भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड। दोनों की दोनों भाषाएं हैं वो 30-30 नंबर की होगी। और उसके बाद है वो मनोविज्ञान भी रहता है रीट के सिलेबस में, और मनोविज्ञान भी कितना रहता है, 30 नंबर का रहता है, इसका वेटेज भी 30 का है। और उसके बाद अपन बात करें सामाजिक अध्ययन की, तो सामाजिक अध्ययन का जो पार्ट रहता है वो रहता है 60 नंबर का, अर्थात इस प्रकार से आपका 150 नंबर का 150 का पेपर होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि यदि आपने भाषा फर्स्ट हिंदी का चयन किया है, और यदि आपने भाषा सेकंड संस्कृत का चयन किया है, संस्कृत का चयन किया है, तो आपको कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि हिंदी, संस्कृत, मनोविज्ञान और सामाजिक सभी से संबंधित शिक्षण विधियां इस क्लास में करवाई जाएगी। क्यों? क्योंकि ये स्पेशली शिक्षण विधियों की क्लास है। तो अपन, हाँ, ये नहीं है कि आपको ये दो या तीन या चार इस प्रकार से क्लासेस मिल जाएगी, कि जैसे एक क्लास डेली की ये मिल जाए, एक ऐसे ऐसी आपको क्लासेस नहीं मिलेगी। आपको एक क्लास मिलेगी, उसमें सबसे पहले अपन हिंदी की शिक्षण विधियां पढ़ेंगे, उसके बाद अपन संस्कृत की शिक्षण विधियां पढ़ेंगे, उसके बाद अपन सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियां पढ़ेंगे। हाँ, यदि यूं लगता है कि ये जो टारगेट है, जो 26 सितंबर जो टारगेट है, इस टारगेट पर यदि अपन नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इस क्लास का टाइम बढ़ा दिया जाएगा, समय बढ़ा दिया जाएगा, परंतु आपको सारी की सारी शिक्षण विधियां कंप्लीट करवाई जाएगी। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि देखिए, यहां पर इस क्लास में आपको हिंदी, संस्कृत और SS की शिक्षण विधियां करवाई जाएगी। मनोविज्ञान की अपनी अलग से क्लास आ रही है, तो उसमें सबसे पहले टॉपिक होंगे जो टॉपिक चल रहे हैं, उसके बाद पेडागोजी से संबंधित सारी की सारी चीजें उसी में हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर आपको पहले हिंदी की शिक्षण विधियां करवाई जाएगी, फिर संस्कृत की करवाई जाएगी, फिर सामाजिक की करवाई जाएगी। और मान लीजिए कि आपने भाषा फर्स्ट संस्कृत का चयन किया, यानी इस प्रकार से भी आपने किया है, तो भी आपको कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी, क्योंकि ये जो हिंदी है, इससे संबंधित जो शिक्षण विधियां हैं, उनका लगभग पूरा सिलेबस है वो सेम ही रहता है, सिलेबस चेंज नहीं है। और तो अपन है वो यहाँ पर इसकी और इसकी और इसकी, इन सभी की शिक्षण विधियों का बहुत अच्छे से अध्ययन करने वाले हैं। तो ये क्लास स्पेशली शिक्षण विधियों की रहेगी, और मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी स्पेशल मांग के आधार पर ही, स्पेशल डिमांड के आधार पर ही ये दो क्लासें लागू की गई है। तो एक तो मनोविज्ञान की क्लास है, उसमें पूरा मनोविज्ञान होगा, आपके सारे टॉपिक्स होंगे, और शिक्षण विधियों से संबंधित भी पूरा मैटर होगा। इस क्लास में आपकी हिंदी की शिक्षण विधियां चलेगी, फिर संस्कृत की चलेगी, और फिर सामाजिक की चलेगी। इस प्रकार से इनकी शिक्षण विधियां करवाई जाएगी। फिर से क्लियर कर देती हूँ कि लगातार चलेगी, हिंदी की कंप्लीट होने के बाद इसी में संस्कृत, और संस्कृत की कंप्लीट होने के बाद इसी में सामाजिक अध्ययन। हाँ, यदि इस टारगेट, और टारगेट अपना रहेगा कि 26 सितंबर की अपनी एग्जाम है, तो कम से कम 15 दिन पहले अपन ये पूरा का पूरा सिलेबस करें, क्योंकि उसके बाद लगभग 10 से 12 दिन अपन क्वेश्चन सीरीज रखेंगे। तो इसलिए इस टारगेट में यदि कहीं कोई समस्या आती है सिलेबस से संबंधित, यदि कंप्लीट होता हुआ नहीं लग रहा होता है, तो इस क्लास का टाइम है वो बढ़ा दिया जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको ये तो बता ही चुकी हूँ कि इस क्लास में अपन शुरुआत किससे करेंगे, हिंदी से करेंगे, हिंदी की शिक्षण विधियों से करेंगे। तो हिंदी की शिक्षण विधियों में भी यदि अपन बात करें टारगेट की, तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि हिंदी आपकी 30 नंबर की है,
यानी हिंदी इस क्लास में, किस क्लास में, या फिर अपन बात करें रीट कंपटीशन लेवल पर, तो रीट में हिंदी का वेटेज 30 नंबर का है। और उसमें मैं आपको बता देती हूं कि 15 नंबर का तो व्याकरण रहेगा और 15 नंबर की ही शिक्षण विधियां रहेगी। तो अपने को ये नहीं करना कि अपन कहीं भी फॉर्मेलिटी करते हुए चले, ऐसे नहीं। अपन जितना व्याकरण में टाइम दे रहे हैं उतना ही व्याकरण अपने को उतना ही समय अपने को इनको भी देना चाहिए। सामान्यतः अपन क्या करते हैं, इनको तो 10 दिन में निपटाने की सोचते हैं और इसमें 3-3, 4-4 महीने लगा देते हैं और इसी वजह से हिंदी हमारा वेटेज कम कर देती है। जबकि यूं होता है कि हिंदी तो अपनी सामान्यतः कुछ नॉलेज होता है, इसके साथ साथ रुचिकर चीजें होती है, तो अपन उसे टाइम अच्छा दे सकते हैं। तो अपन इन दोनों को बराबर टाइम देकर अपन हिंदी में जो नंबर 30 है उसका 28 या 28-29 का वेटेज ला सकते हैं और अपना रेट का जो रिजल्ट है वो बदल सकता है। तो इसलिए आज की क्लास में अपन शुरू करने जा रहे हैं शिक्षण विधियां, और शिक्षण विधियां अपन उसी प्रकार से अच्छे से पढ़ेंगे जिस प्रकार से अपन व्याकरण पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि दोनों का बराबर का वेटेज रहता है। तो ये क्लास अपनी किसकी रहेगी, शिक्षण विधियों की, और शिक्षण विधियों में भी किसकी, हिंदी शिक्षण विधियां, हिंदी शिक्षण विधियां। अब हिंदी शिक्षण विधियों में यदि अपन बात करें प्रथम यूनिट की, तो पहली यूनिट में 3 चीजें दी गई है। पहली लाइन तो यही है हिंदी शिक्षण विधियां, दूसरी लाइन है हिंदी शिक्षण के उपागम, और तीसरी जो लाइन है वो कौशलों से संबंधित है, अपन उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। अपन अपने जो सिलेबस के टॉपिक की यदि बात करें तो पहला टॉपिक आपके रहता है हिंदी शिक्षण विधियां। अब इस टॉपिक के अंतर्गत अपने को पढ़ना क्या है, देखिए हिंदी शिक्षण विधियों में आपको थोड़ी सी चीजें हैं वो ऐसा नहीं है कि अपन सामाजिक की तरह पढ़ लें, क्योंकि हिंदी में हिंदी अलग अलग प्रकार की है, यानी हिंदी में गद्य भी रहता है, पद्य भी रहता है, इसके साथ साथ व्याकरण भी रहता है, इसके साथ साथ कहानी शिक्षण भी होता है, एकाकी शिक्षण भी होता है। तो इस प्रकार से यहां पर जो अपन पढ़ने जा रहे हैं, तो जो गद्य और पद्य है, तो गद्य की अलग से, पद्य की अलग से, व्याकरण की अलग से, एकाकी की अलग से, कहानी की अलग से, इस प्रकार से अलग अलग शिक्षण विधियां चलती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन शुरुआत करें, उससे पहले अपने को समझना है कि हिंदी क्या है, शिक्षण क्या होता है, और उसके बाद अपन विधियों तक पहुंचेंगे। हाँ, यहां पर आपको मैं बता देती हूं कि अपने को टारगेट रखना है शिक्षण विधियों से संबंधित भी, जैसे अपनों ने हिंदी व्याकरण से संबंधित टारगेट रखा है, तो उसी प्रकार से हिंदी शिक्षण विधियों का भी कम से कम 10 मार्क्स आपको इस क्लास में दे दिए जाएंगे, यदि आप प्रत्येक क्लास अच्छे से समझते हैं, अच्छे से जुड़ते हैं। तो 10 नंबर किस में, हिंदी शिक्षण विधियों में। और सामान्यतः व्याकरण में तो यूं है कि जो अक्सर थोड़ा बहुत अगर पढ़े हुए हैं और रेगुलर यदि क्लास ले रहे हैं तो आपके 15 में से 15 भी हो जाते हैं क्लियर, क्योंकि सामान्यतः रीट में जैसे ऊपर की व्याकरण आती है और महत्वपूर्ण चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं, तो महत्वपूर्ण चीजों में अगर अपन रट्टा लगाने वाली चीजों में मान लो कि शब्द आ गए तो उनमें 1-2 में यदि कंफ्यूज हो सकते हैं तो हो सकते हैं, अदरवाइज वो सारे के सारे अपने सही हो जाते हैं। तो शिक्षण विधियां आपको टारगेट लेकर चलना है, आज से टारगेट बना लो कि अपने को है वो कम से कम जो 15 नंबर है उनमें से 10 नंबर अपने को लेकर ही लेकर आने हैं, हिंदी में भी संस्कृत में भी। और संस्कृत में यदि दोनों लैंग्वेजेस में अगर इतने मार्क्स आ जाते हैं तो रिजल्ट तो आ ही जाता है। तो उसी प्रकार से अब अपन बात करते हैं कि सबसे पहले तो हिंदी क्या है। ठीक है, हिंदी एक भाषा है। भाषा क्या है, भाषा शब्द संस्कृत की
संस्कृत की भास धातु से बना है, ठीक है। अब इस भास धातु का अर्थ किससे लिया जाता है? सामान्यतः प्रकट करना से लिया जाता है, बिल्कुल जीरो से लेंगे और गुड से गुड तक जाएंगे, उसी प्रकार से जाएंगे जैसे हिंदी व्याकरण में जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर संस्कृत भाषा के भास धातु से बना है, जिसका मतलब होता है प्रकट करना, या फिर मैं यूं भी कह सकती हूं कि अभिव्यक्त करना, अभिव्यक्त करना। अर्थात इसकी परिभाषा क्या हो सकती है कि भाषा भाषा विचार अभिव्यक्ति का। अब अभिव्यक्त करना है तो हम क्या अभिव्यक्त करेंगे? अपने विचार। तो विचार अभिव्यक्ति का, अभिव्यक्ति का माध्यम है, माध्यम है। अर्थात जिस माध्यम से हम अपने विचार किसी दूसरे के समक्ष प्रकट करते हैं तो वही माध्यम क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है, ठीक है। तो विचार अभिव्यक्ति का माध्यम ही क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। और यदि हम अपने विचारों को किसी दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करते हैं, जिस माध्यम का सहारा लेते हैं, वही क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। और भाषा एक ऐसी चीज है जो मनुष्य को ही प्राप्त है, और मनुष्य को ये ईश्वर की देन है जिसके माध्यम से वह अपने विचार अभिव्यक्त कर सकता है, अच्छे तरीके से अपने विचार अभिव्यक्त कर सकता है। उसके बाद अपन बात करते हैं, यहां पर जब अपनों ने भाषा की बात कर ली तो अपन यहां पर क्या पढ़ रहे हैं? भाषा शिक्षण पढ़ रहे हैं। तो शिक्षण क्या होता है? ज्यादा अपन इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, अपन जल्दी से अपने टॉपिक की तरफ पहुंचेंगे। शिक्षण क्या होता है? देखिए, शिक्षण एक प्रक्रिया है, शिक्षण एक प्रक्रिया है जो शिक्षक व शिक्षार्थी के मध्य चलती है, शिक्षक व शिक्षार्थी के मध्य चलती है। किससे संबंधित चलती है या इनका माध्यम क्या होता है? पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम, ठीक है। तो इसकी परिभाषा कुछ यूं हो सकती है कि शिक्षण, शिक्षण वह प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया है जो जो शिक्षक व शिक्षक व शिक्षार्थी के मध्य, शिक्षक व शिक्षार्थी के मध्य पाठ्यक्रम के आधार पर, आधार पर चलती है। एक प्रक्रिया है जो शिक्षक शिक्षार्थी के मध्य होती है, किसको लेकर होती है? पाठ्यक्रम को लेकर होती है, ठीक है। तो यहां पर भाषा तो है विचार अभिव्यक्ति का माध्यम, और शिक्षण क्या है? शिक्षक व शिक्षार्थी के मध्य चलने वाली प्रक्रिया। उसके बाद अपन बात करते हैं विधियों की। तो विधियां क्या होती है? देखिए, विधि सामान्यतः एक कला होती है, किसी भी कार्य को करने का तरीका होता है, कार्य को करने का तरीका। और चूंकि अपन शिक्षण की विधियां पढ़ेंगे तो जो शिक्षण यानी शिक्षण करने का तरीका ही क्या कहलाती है? विधियां कहलाती है। अर्थात हम किसी भी तरीके से शिक्षण करवा रहे हैं तो उस तरीके के आधार पर उससे संबंधित एक नाम रख दिया जाता है कि वह शिक्षण विधि है। तो विधि क्या होगी? कार्य करने का तरीका ही क्या कहलाती है? विधि कहलाती है। चूंकि अपन भाषा शिक्षण विधियां पढ़ेंगे, परंतु उससे पहले अपन भाषा शिक्षण से संबंधित सारी चीजें क्लियर करेंगे।
भाषा शिक्षण से संबंधित कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं। भाषा शिक्षण से संबंधित ये हो सकता है कि भाषा शिक्षण की विशेषताएं क्या होती है, भाषा शिक्षण के समक्ष चुनौतियां किस प्रकार से आ सकती हैं, भाषा शिक्षण की प्रमुख अवस्थाएं कौन कौन सी होती है। यानी सबसे पहले अपन भाषा शिक्षण की पूरी जानकारी प्राप्त करते हुए और फिर उसकी विधियों तक पहुंचेंगे। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं और आपको मैं बता देती हूँ कि जितनी जो समझने वाली या बहुत अच्छी चीजें हैं वो सारी की सारी आपकी पहली यूनिट में ही है। जो बाद की यूनिट्स है वो बिल्कुल छोटी छोटी है। पहली यूनिट में आप सारी की सारी शिक्षण विधियां पढ़ लेंगे, चाहे वो गद्य से संबंधित हो, क्योंकि पहला टॉपिक ही आपका शिक्षण विधियों का है। तो पहला तो चलेगा कि शिक्षण विधियों से संबंधित यानी भाषा शिक्षण से संबंधित पहली यूनिट होगी। उसके बाद जो कौशल है, भाषा के कौशल, जो सुबोपल्ली है, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, लिखना, इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। और अंतिम यूनिट तो आपकी मूल्यांकन की है, उपलब्धि परीक्षण की है। तो इस प्रकार से यहां पर मैं आपको सिलेबस भी बता देती हूँ कि हिंदी में जो शिक्षण विधियां हैं उनसे संबंधित मात्र 3 यूनिट है, ठीक है। और आपको मैं बता देती हूँ कि रीट में हिंदी के सिलेबस में, हिंदी व्याकरण से संबंधित सिलेबस में 6 यूनिट है, जिनमें से 3 तो व्याकरण की चलती है, 3 शिक्षण विधियों की चलती है। और इन 3 शिक्षण विधियों में सबसे महत्वपूर्ण जो यूनिट है, जो सबसे अच्छी यूनिट है या जो सबसे बड़ी यूनिट है, जो सबसे ज्यादा समझने वाली यूनिट है, वो पहली यूनिट है। और पहली यूनिट में अपन सबसे पहले भाषा शिक्षण का अध्ययन करेंगे और भाषा शिक्षण के बाद अपन बढ़ेंगे धीरे धीरे शिक्षण विधियों की तरफ। तो भाषा शिक्षण की जो है, सबसे पहले अपनों ने देख लिया कि भाषा क्या है और शिक्षण क्या है। यदि सम्मिलित रूप में देखें तो किसी भाषा को या किसी भाषा का शिक्षण करवाना ही क्या कहलाता है, भाषा शिक्षण। यानी भाषा को अच्छे तरीके से एक शिक्षक द्वारा शिक्षार्थी के पास पहुंचाना ही क्या कहलाता है, भाषा शिक्षण कहलाता है। अब अपन देखते हैं इस संबंध में पहली बात, भाषा शिक्षण की विशेषताएं क्या हो सकती है, इसकी विशेषताएं। देखिए, सबसे पहली बात, यदि अपन शिक्षण भी ले, अकेला शिक्षण भी ले, तो भी अकेला शिक्षण या जो भाषा शिक्षण है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये इसकी प्रमुख और पहली विशेषता है। कैसे? देखिए, सामान्यतः यदि बात करें तो शिक्षण हमेशा चलता है। व्यक्ति जन्म से, यदि अपन बात करें हमारे जो शिक्षा से संबंधित जो विभिन्न परिभाषाएं दी गई है, महात्मा गांधी की परिभाषा बहुत अच्छी मानी जाती है, विवेकानंद जी की परिभाषा बहुत अच्छी मानी जाती है, तो इस प्रकार से शिक्षा से संबंधित अनेक विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं के आधार पर अपन समझ सकते हैं कि एक बालक जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत सीखता है, मृत्यु पर्यंत सीखता है, चाहे वो प्रत्यक्ष सीखे चाहे वो अप्रत्यक्ष सीखे। तो इस प्रकार से ये जो शिक्षण है वो सामान्यतः चलता रहता है, ठीक है। तो वो जरूरी नहीं कि प्रत्यक्षता शिक्षण अपन करते हैं विद्यालय में, या अपन यूं कह सकते हैं कि निम्न शिक्षा और उच्च शिक्षा। तो जो उच्च शिक्षा तक अपन सामान्यतः जो औपचारिक शिक्षण है वो करते हैं, और उसके बाद अपन मृत्यु पर्यंत सीखते जाते हैं, तो अपन अनौपचारिक रूप से कहीं न कहीं कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। मान लीजिए एक वृद्ध व्यक्ति है और वो आज लैपटॉप चला रहा है। अब आप यूं सोचिए कि जब वो स्कूल जाता होगा अपने समय में, जिसकी उम्र मान लीजिए कि लगभग 80 वर्ष है, तो उस समय जब वो स्कूल जाता था तो उस समय क्या लैपटॉप था? लैपटॉप नहीं था। और उसने लैपटॉप चलाना सीखा भी कब?
लगभग 60 वर्ष के बाद, 60 वर्ष की उम्र के बाद वो लैपटॉप चलाना सीख रहा है। इसका मतलब वो सीख तो रहा है, यानी शिक्षा तो चल रही है, परंतु प्रत्यक्ष शिक्षा नहीं चल रही। तो इसलिए जो शिक्षण है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये सदैव चलती रहती है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप में चले चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप में चले। तो यह यहाँ पर है वो शिक्षण की पहली विशेषता हो सकती है। उसके बाद यदि अपन बात करें तो देखिए ये जो शिक्षण है ना, हाँ यहाँ पर एक चीज और बात और बता देती हूँ। आप भाषा शिक्षण पढ़ रहे हो, शिक्षण पढ़ रहे हो, शिक्षण और शिक्षा शब्द जहां पर भी आ जाए वहां पर आप संकीर्णता नहीं रखेंगे। आपका जो थिंकिंग स्तर है, थिंकिंग लेवल है, वो विस्तृत हो जाना चाहिए, व्यापक हो जाना चाहिए। कैसे? यहां पर देख लीजिए, शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। अब ये क्या हो सकता है, यानी व्यक्ति या बालक समाज में रहते हुए सीखता है ना। वो परिवार में रहता है तो उसकी प्रथम पाठशाला तो क्या मानी जाती है, प्रथम पाठशाला तो उसकी परिवार मानी जाती है, और उसके बाद वो समाज में रहते हुए सदैव सीखता रहता है। तो इसलिए इसको सामाजिक प्रक्रिया भी कह सकते हैं। यदि अपन बात करें कि बालक जब बाल्यावस्था में आ गया है, बाल्यावस्था में आ गया है, और बाल्यावस्था में आते ही, हालांकि शिशु जब तक है तब तक बालक हो सकता है कि वो घर में रहे, परंतु जैसे ही वो बाल्यावस्था में आया वो समाज के संपर्क में आ जाता है। तो जैसे ही समाज के संपर्क में आता है तो वो अनेक चीजें सीखने लगता है, अनेक नई नई चीजों को ग्रहण करता है। तो यदि, और ये दोनों रूपों में हो सकती है, सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती है। और बाल्यावस्था का बालक जब बाहर जाता है तो सामान्यतः माता पिता विशेष तो यह ध्यान रखते हैं कि बालक घर पे आकर किस प्रकार का व्यवहार करता है। तो बालक घर पर आकर जिस प्रकार का व्यवहार कर रहा है उसी प्रकार की चीज वो बाहर से सीख कर आया है। तो उस चीज में अपन उसी समय यदि ध्यान दे तो उस चीज में यदि वो नकारात्मक चीज सीख कर आया तो अपन उसमें बदलाव भी ला सकते हैं, परिवर्तन भी कर सकते हैं। तो शिक्षण निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और इसके साथ साथ ये एक सामाजिक प्रक्रिया है, अर्थात बालक समाज में रहते हुए हमेशा कुछ न कुछ सीखता रहता है। उसके बाद यदि अपन अगली बात करें, आगे की बात करें, तो देखिए शिक्षण जो है वो एकाकी प्रक्रिया नहीं है, ठीक है। एकाकी का मतलब ये सिर्फ सीखना ही नहीं है, सीखना ही नहीं है, ये सीखना व सिखाना दोनों है, दोनों है। यदि अपन शिक्षा की बात करें तो शिक्षा अपन सीखने से लेते हैं, शिक्षा का संबंध सीखने से होता है, जबकि शिक्षण में शिक्षक भी शिक्षण का पार्ट होता है। यहां पर मैं यूं बता देती हूं कि देखिए जो शिक्षण है वो त्रिविमीय होता है। त्रिविमीय का मतलब शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या, जिसकी बात अपनों ने यहां पर कर ली है, पहले मैंने बता दिया है, ठीक है। तो चूंकि ये त्रिविमीय है तो इसका पार्ट एक शिक्षक भी रहता है। तो शिक्षक किसे कहते हैं जो हमें सिखाए? यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आपको अपना जो नजरिया है वो बिल्कुल व्यापक रखना है, संकुचित नहीं रखना। अब यहाँ पर ये बात नहीं है कि देखिए आप विद्यालय में जाएंगे, विद्यालय में जाएंगे तो एक श्रीमान जी होंगे जो आपको बुक लेकर पढ़ाने आएंगे, बुक नोट्स या जो भी हो, कॉलेजेस में अगर नोट्स लेकर आ रहा है कोई भी है, वो आपको पढ़ा रहा है तो वो ही शिक्षक है। ये बात आपको ध्यान में नहीं रखनी। सामान्यतः हम जिससे भी सीख रहे हैं, जो भी सीख रहे हैं, वो हमारा शिक्षक है, ठीक है। कभी कभार अपन अपने से कम उम्र वाले बच्चों से बहुत अच्छी बात सीख जाते हैं, और यदि कम उम्र वाले बच्चों से अपन अच्छी चीज सीखते हैं तो वो भी हमारा शिक्षक हो जाता है एक प्रकार से। तो चूंकि शिक्षक है वो भी शिक्षण का पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है, तो शिक्षक क्या करता है, सिखाने का काम करता है। तो इसलिए ये सीखना व सिखाना दोनों होता है, और
जिसकी अपन अभी बात कर रहे थे कि अपन स्कूल में एक शिक्षक से पढ़ते हैं, अपन उसी को शिक्षक न माने, तो क्या वो, ये मैंने बात क्यों बताई आपको कि अपन उसी को ही शिक्षक नहीं मानेंगे, ये मैंने इसलिए बताई है कि ऐसा नहीं है कि शिक्षक सीखता नहीं है। सामान्यतः मान लीजिए कि एक शिक्षक है, ठीक है, उसे कोई भी टॉपिक पढ़ाना है, भाषा से संबंधित पढ़ाना है मान लो, ठीक है, भाषा से संबंधित पढ़ाने के लिए, और वो क्लास में चला गया, और क्लास में चला गया तो क्लास में उसने जैसे ही पढ़ाना शुरू किया तो उस समय बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न किए, उन्होंने जिस प्रकार से प्रश्न किए तो शिक्षक का दिमाग भी खुला, यानी शिक्षक के दिमाग में भी बहुत अच्छी अच्छी बातें आई, तो वहां पर शिक्षक शिक्षक के साथ साथ शिक्षार्थी भी हो जाता है, यानी वो वहां पर कुछ न कुछ सीखता है। और यहां पर मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि शिक्षण जो शिक्षण है वो वही प्रभावी माना जाता है जहां पर शिक्षक व शिक्षार्थी के मध्य अंतःक्रिया चलती है। सामान्यतः एक बार मैं एक जो कोचिंग सेंटर था वहां पे गई, तो वहां पर कोचिंग सेंटर में सिर्फ और सिर्फ टीचर्स की आवाज आ रही, किसी भी बच्चे की आवाज नहीं, और उस शिक्षण संस्थान में या उस कोचिंग संस्थान में लगभग 1000 बच्चे, 1000 से ज्यादा बच्चे, अब गिनती तो कौन करता, परंतु 1000 से प्लस बच्चे उस दौरान उस समय में थे, परंतु आवाज सिर्फ शिक्षकों की थी, बाकी पूरा का पूरा शांत। अब यहां पर जब जैसे ही मैं ऑफिस में गई तो उन्होंने यूं कहा कि हमारा डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, हमारा अनुशासन बहुत अच्छा है, मजाल है कोई बच्चा बोल जाए, क्या आप उस शिक्षण को प्रभावी मानेंगे, हो ही नहीं सकता। मनोविज्ञान यूं कहता है कि जिस क्लास में बच्चे बिल्कुल शांत है और टीचर व्याख्यान दिए जा रहा है, टीचर बच्चों को बोलने नहीं देता, वहां पर बच्चों को बोलने की परमिशन नहीं है, तो वो शिक्षण ही नहीं है, वो सिर्फ थोपा जा रहा है, ठीक है, व्याख्यान विधि से आप व्याख्यान करते जा रहे हैं जिस प्रकार से एक कथाकार कथा कर रहा है। तो शिक्षण तभी प्रभावी है, तभी सफल है जब शिक्षक व शिक्षार्थी के मध्य अंतःक्रिया चल रही हो। और जैसे ही वहां पर कोचिंग सेंटर में क्लास छूटी तो इतना हल्ला हुआ, यानी बहुत से बच्चे थे और उनकी आवाजें आई, जबकि पहले किसी की आवाज नहीं थी। उसी चीज को यदि अपन इस प्रकार से भी देखें कि एक क्लास ऐसी है जिसमें जितने अध्यापक की आवाज आती हो उतनी ही बच्चों की भी आवाज आती रहती है, उतनी ही बीच बीच में अभ्यर्थी पूछते रहते हैं, तो वो क्लास हो सकता है किसी आदर्शवादी व्यक्ति के लिए यूं मान ली जाए कि इसमें क्लास में अनुशासन नहीं है। सामान्यतः अनुशासन को बहुत महत्ता दी जाती है, रखिए अनुशासन भी एक बहुत अच्छी बात होती है, जीवन में अनुशासन नहीं है तो हम स्वयं संतुलित ही नहीं है तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, परंतु वहां पर यदि बच्चे बिल्कुल चुप है, उनकी आवाज को दबा दिया गया है, तो वो शिक्षण प्रभावी नहीं है। तो यहां पर अपन किसके बारे में बात कर रहे थे कि शिक्षण है वो सीखना और सिखाना दोनों है। यहां पर स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन आगे कुछ विशेषताओं के संबंध में भी इसके बारे में बात करेंगे। तो यहां पर शिक्षण से संबंधित या भाषा शिक्षण से संबंधित अपन कुछ विशेषताएं पढ़ रहे हैं। शिक्षण निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी हमेशा चलती है, सदैव चलती है और लगातार चलती है। निरंतर को अपन सततता भी कह सकते हैं, सततता, ठीक है, इसे निरंतर लगातार या सततता भी कह सकते हैं। उसके बाद सामाजिक प्रक्रिया है, ये समाज में भी अपन बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है, तो इसलिए, और उसके बाद ये सीखना व सिखाना दोनों है। उसके बाद यदि अपन बात करें, अभी मैंने आपको कहा कि एक क्लास जिसमें बच्चे बराबर अंतःक्रिया कर रहे हैं, बराबर प्रश्न पूछ रहे हैं, तो उस चीज को अपन इस रूप में भी देख सकते हैं, शिक्षण पथ प्रदर्शक, पथ प्रदर्शक या प्रदर्शन भी बोल सकते हैं, या मार्गदर्शन है, मार्गदर्शन है। एक शिक्षक आपको सीढ़ियां दिखा देगा, चढ़ना आपको स्वयं पड़ेगा, ठीक है। शिक्षक सदैव, वर्तमान शिक्षा प्रणाली को यदि अपन ध्यान में रखें तो वर्तमान शिक्षा प्रणाली के अनुसार शिक्षक सदैव
पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शक के रूप में होना चाहिए। ये नहीं हो कि शिक्षक है, जैसे प्राचीन काल में यदि अपन दे या गुरुकुल शिक्षा पद्धति में अपन ले तो वहां पर जो शिक्षार्थी होते हैं वो बोलते ही नहीं है, उनको बोलने का हक ही नहीं होता, ठीक है, बोलने की अनुमति नहीं होती उनको, और वहां पर शिक्षक है वो व्याख्यान देगा, उसको उसी रूप में और विद्यार्थियों को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ना है, उसमें बालक कोई प्रश्न नहीं कर सकता, शिक्षार्थी को बोलने का हक नहीं होता। मनोविज्ञान यूं कहता है कि वो अमनोवैज्ञानिक होता है, अमनोवैज्ञानिक होता है, वो शिक्षण की श्रेणी में आता ही नहीं है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली के अनुसार शिक्षक एक पथ प्रदर्शक होता है, एक मार्गदर्शक होता है, तो इसलिए जो शिक्षण है वो भी क्या होता है, पथ प्रदर्शक होता है और मार्गदर्शन के रूप में आता है, तो इसलिए इसकी एक विशेषता ये भी बन जाती है। और उसके बाद अपन अगली विशेषता की तरफ बढ़ते हैं, और अगली विशेषता क्या कहलाती है, अभी अपनों ने बात की थी, मैंने बताया भी था कि शिक्षण जो है वो त्रिविमीय है। शिक्षण क्या होता है, त्रिविमीय। अब त्रिविमीय क्या होता है, तो देखिए त्रिविमीय जो होता है वो ये कि इसके तीन चर होते हैं, तीन चर होते हैं। त्रिविमीय का मतलब अपन तीन कोण भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहां पर जो है वो एक तो होता है शिक्षक, एक तो होता है शिक्षक और एक होता है शिक्षार्थी, शिक्षार्थी, और इन दोनों के मध्य किसको लेकर अंतःक्रिया चलती है, इन दोनों के मध्य पाठ्यक्रम को लेकर, पाठ्यक्रम को लेकर अंतःक्रिया चलती रहती है, अंतःक्रिया चलती रहती है। तो इसके शिक्षक, शिक्षार्थी व पाठ्यक्रम, ये तीन इसके चर हो जाते हैं, अर्थात तीन इसके कोण होते हैं, इसलिए इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, त्रिविमीय प्रक्रिया कहा जाता है। उसके बाद एक चीज और भी देख लेते हैं इसकी विशेषताओं से संबंधित। हाँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, और जो भी चीज जहां भी समझ में नहीं आए, ये बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल चीजें हैं, जिस पर विशेष ध्यान आकर्षित करना होगा वो मैं आपको बता दूंगी। फिर भी यदि कोई चीज आपको समझ में नहीं आए, किसी शब्द के अर्थ से संबंधित प्रॉब्लम आए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। क्यों? क्योंकि आप रीट के लिए पढ़ रहे हैं, रीट में थिंकिंग लेवल वाले यानी विचारात्मक प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं। तो आगे यदि अपन देखें इसकी विशेषता से संबंधित, तो देखिए ये विकास की प्रक्रिया है, विकास की प्रक्रिया है। अब यदि अपन बात करें कि विकास क्या है, बहुत बड़ी यानी विस्तृत संकल्पना है विकास, विस्तृत संकल्पना। और विकास के अंतर्गत क्या होता है, विकास के अंतर्गत एक बालक के शारीरिक, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, सामाजिक, ठीक है। तो यहां पर देखिए जो विकास है वो एक प्रक्रिया है, तो विकास की प्रक्रिया शिक्षण को कैसे मान सकते हैं। देखिए विकास एक बड़ी संकल्पना है जिसमें बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक व सामाजिक विकास को लिया जाता है। तो शिक्षण के द्वारा, शिक्षण के द्वारा बालक के शारीरिक विकास, अपन देखते हैं कि शारीरिक शिक्षा भी विद्यालय में बच्चे के लिए दी जाती है, मानसिक विकास के लिए बच्चे की, बच्चे के लिए आजकल अगर प्राचीन काल से देखें तो स्कूल में जाते ही बालक से प्रेयर करवाई जाती है, प्रार्थना करवाई जाती है, तो वहां पर उस उन चीजों से संबंधित, और आजकल योगा भी होने लगा है, तो उनसे क्या होता है, बालक का मानसिक पक्ष मजबूत होता है। संवेगात्मक, उसके सिलेबस में इस प्रकार की कहानियां होती है, इस प्रकार से सिलेबस रखा जाता है कि उसमें भावों का विकास हो। और सामाजिक विकास यानी बालक में कक्षा में, बालक को कक्षा में किस तरीके से
व्यवहार करना है, किस प्रकार से उसे कक्षा में रहना है, तो वहां पर उसे सामाजिकता भी सिखाई जाती है। तो यहाँ पर अपनों ने संक्षिप्त चर्चा की किसके संबंध में, भाषा शिक्षण की विशेषताओं के संबंध में। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आज की क्लास में इतना ही, और उसके बाद पढ़ेंगे अपन अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।